कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। महिला डॉक्टर केस में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आधी रात को होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही है। वरिष्ठ नेता ने इस बारे में एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा हूं, क्योंकि लाखों बंगाली परिवारों की तरह मेरी भी एक बेटी और छोटी पोती है। हमें इस मौके पर आगे आना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो, आइए हम सब मिलकर इस घटना का विरोध करें। इससे पहले टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे ने इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने लिखा, आरजीकर अस्पताल में बलात्कार और डॉक्टर की निर्दयता पूर्वक हत्या की गई, वो कौन लोग हैं? अब सीबीआई जांच करेगी। खैर, मुझे सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं, वे मूर्ख हैं। फिर भी सच्चाई सामने आनी ही है। दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो भी इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। वहीं सुखेंदु शेखर रे से एक एक्स यूजर ने कहा कि वरिष्ठ नेता को अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण तृणमूल कांग्रेस से बाहर किया जा सकता है। तो उन्होंने इस पर जवाब दिया, लिखा, कृपया मेरे भविष्य की चिंता ना करें। मेरी रगों में एक स्वतंत्रता सेनानी का खून बहता है, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बता दें कि कोलकाता और बंगाल के अन्य हिस्सों में महिलाएं आज देर रात सड़कों पर उतरेंगी और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगी। रात 11:55 से शुरू होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को स्वतंत्रता दिवस की आधी रात पर महिलाओं की आज़ादी के लिए प्रदर्शन का नाम दिया गया है। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। इसके बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स मामले में पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अधिकारियों ने जस्ट मेडिसिन विभाग के सेमिनार हॉल में सेकेंड ईयर की छात्रा का अर्धनग्न शव बरामद किया था, जिस पर कई चोट के निशान थे।